पहाड़ तराई और डोर्स के कई ऐसे जवान थे जो दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। ये शहीद यहाँ के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पहाड़ तराई और डोर्स के युवाओं में इंडियन आर्मी के प्रति लगाव क्यों है और क्यों ये इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं। सुबह सुबह जब पहाड़ तराई और डोर्स के सड़कों पर निकले तो कई युवा सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे और कईयों को व्यायाम करते हुए दिखाई देते हैं। इन युवाओं का एक ही सपना है, वह है देश की सेवा करना और देश के लिए मर मिटना। यहाँ के युवाओं में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी पड़ी है। राष्ट्र की सेवा करना ही यह अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। हम यह जानेंगे कि आखिर क्यों यहाँ के युवा इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करना चाहते हैं। पहाड़ तराई और डोर्स के कई ऐसे जवान थे जो दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। कालचीनी के राजीव थापा, बागडोगरा के सुभाष थापा और अलीपुर द्वार के विपुल राय जो दुश्मनों से डटकर मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, इन शहीदों की बहादुरी, बलिदान और साहस यहाँ के युवाओं के लिए प्रेरणा है। दूसरी बात, यहाँ की भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है कि यहाँ के युवा शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट है। तीसरा कारण, यह क्षेत्र चाय बगान वाला क्षेत्र है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र पिछड़ा है। आर्थिक तंगी के कारण यहाँ के युवा उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते और 10th एवं 12th के बाद अधिकांश युवा अपना अध्ययन छोड़ देते हैं। जहाँ तक इंडियन आर्मी का प्रश्न है, इसके लिए अधिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति में उन युवाओं को नौकरी के आवेदन करने के लिए इंडियन आर्मी ही एक विकल्प बचती है। चौथा कारण यह है कि पहाड़ तराई और डोर्स में गोरखा और आदिवासियों की जनसंख्या अधिक है, जो ऐसे भी बहादुर प्रवृत्ति के होते हैं। 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग को शायद ही भुला जा सकता है। युद्ध भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच था, लेकिन इस युद्ध ने बांग्लादेश को जन्म दिया। इस युद्ध में सैकड़ों सैनिक शहीद हुए थे। इन्हीं सैनिकों में से एक थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का, जिनके बलिदान से बांग्लादेश को तो आज़ादी मिली और अगरतला को भी पाकिस्तान में मिलने से बचाया। आज अगर अगरतला भारत का हिस्सा है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है आदिवासी सैनिक अल्बर्ट एक्का को। गोरखाओं के संबंध में भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष सेम मानेकशॉ ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो वह या तो झूठा है या गोरखा है। ऐसी दो वीर जातियों के युवाओं में सैनिक बनने की ख्वाब होना यह तो स्वाभाविक है। यह तमाम कारणों से यहाँ के अधिकांश युवा इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ के युवा इंडियन आर्मी बनने के लिए लगातार रनिंग तथा एक्सरसाइज करते हैं। इनमें से कई युवाओं का ख्वाब पूरा हो जाता है और कई युवाओं का ख्वाब अधूरा ही रह जाता है। अब बात करते हैं भारतीय सेना की। इंडियन आर्मी हमारा अभिमान है, जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। हम आज अपने घरों में सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि सीमा पर हमारे देश के जवान दिन रात तैनात है। भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक मानी जाती है। यह विश्व की 10 बड़ी सेनाओं में दूसरे स्थान पर है। 1965 की भारत पाकिस्तान युद्ध हो या 1967 की भारत चीन युद्ध या 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वार हो या फिर 1999 की कारगिल युद्ध, हर बार भारतीय सेनाओं ने दुश्मनों को शिकस्त दी है। अब मैं बताने जा रहा हूँ इंडियन आर्मी के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। इंडियन आर्मी बनने के लिए न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। क्लर्क पोस्ट के लिए अधिकतम आयु 23 वर्ष होती है। वजन कम से कम 50 केजी होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। यह बात हमेशा ध्यान रहे कि रनिंग प्रैक्टिस के साथ साथ शुरू से ही सिलेबस को समझकर एग्जाम की भी तैयारी करें। रोजाना व्यायाम करें, रोजाना सुबह शाम भी दौड़ने निकले। जिन युवाओं का इंडियन आर्मी में भर्ती हो चुका है उनसे सलाह लें। अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान दें। रोजाना फ्रूट्स में एप्पल, बनाना आदि का सेवन करें। अपना कॉन्फिडेंट लेवल को और अधिक बढ़ाएं। घोर मेहनत करें। अगर इन बातों पर ध्यान रखते हैं तो आपको इंडियन आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट तथा शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।